सोयाबीन कटाई का काम चल रहा है। बरसात के चलते किसानों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में जंगली जानवरों की आवाजाही भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इसी तरह का एक मामला सामने आया है जहां पर किसान अपने खेत में फसल की कटाई में जुट गए थे, तभी उसके खेत में 8 से 9 फीट लंबा अजगर देखने के बाद में किसान के हाथ पैर कंप गए। वह किसान खेत छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कसरावत वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसने इसकी जानकारी मुकेश पाटीदार, पूर्व डिप्टी रेंजर को दी। मुकेश पाटीदार ने थैंक यू नेचर टीम और वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया। मौके पर अधिकारी पहुंचे, अजगर को पकड़ने का प्रयास करने लगे। काफी देर के बाद में अजगर थैंक यू नेचर टीम के सदस्यों के हाथ लगा। अजगर को रेस्क्यू के बाद थैंक यू नेचर टीम एवं वन विभाग की टीम ने कसरावत क्षेत्र के वन विभाग क्षेत्रीय में छोड़ दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। ये एक अजगर है, ये सुबह से श्री कंबल का अपने कृष्णकांत पाटीदार के खेत में था। सोयाबीन की फसल के अंदर मजदूर काट रहे थे सोयाबीन, वो डर के मारे काट नहीं रहे थे, तो उनके द्वारा सूचना दी गई मेरे को, तो मेरे द्वारा मोबाइल से मतलब थैंक यू नेचर टीम को सूचना दी गई और स्थानीय वन विभाग में सूचना दी गई, तो वहाँ से आए स्टाफ आया श्री वाघ वो और थैंक यू नेचर टीम से आपका इनके साथ में मतलब हमने मिलकर रेस्क्यू किया। एक कौन सी प्रजाति का, इसमें भी कुछ प्रजाति आती है क्या? नहीं नहीं, अजगर की एक ही प्रजाति आती है। अच्छा, एक कितना ना वजन होएगा इसका? इसका वजन करीब 12 किलो। अच्छा, वो लंबाई इसकी करीबन 8 फीट के आसपास। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश पाटीदार, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।